गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल राज तिवारी ब्लॉग। और मैं आपको बता दूं कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसका मेन कारण जो है वो है पूजा। पूजा ने रात को और बच्चों ने मिलकर मेरे को 12:30 बजे तक तो पहले सोए नहीं, जिसकी वीडियो अभी आप देखोगे। इनको मैंने बोला सो जाओ यार, सुबह आपका व्रत है, सो जाओ यार आपका व्रत है, लेकिन नहीं, इन लोगों की मस्ती चालू थी। उसमें क्या हुआ कि रात के 12:30 बजे तक तो मैं नहीं सोया। उसके बाद पूजा को जरूरत होगी मेरी सुबह भी, क्योंकि उसने जल्दी उठना था, नहाना धोना था, ये वो व्रत रखना था, तो उस चक्कर में मेरे को जल्दी उठना पड़ा। फिर तो इसी चक्कर में मेरी तो भाई नींद ही पूरी हुई, मेरी आंखें अभी भी दर्द हो रही है, मैं फिर से सोऊंगा शायद थोड़ी देर। और आकृति और पूजा दोनों की मेहंदी बहुत ही अच्छी चढ़ी है, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले कर लेते थोड़ा सा भगवान का नाम लेने का काम। भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। अभी हो रही है मॉर्निंग आरती। एक बार मॉर्निंग आरती हो चुकी है 4:00, तो अभी हो रही है इनकी मॉर्निंग आरती। तो फिर आज लेट उठे ना, कोई बात नहीं। तो गाइस ये देखिए, ये मारो मार हो रही है, इस टाइम मट्ठी होगी और ये सब व्रत लेने वाले हैं, सब जने खा पी के। रात के 12:30 हो गए और इनका ये ड्रामा चल रहा है। अभी पूजा को फिर से 4 बजे उठना है और फिर से खाना है और ये देख लीजिए, हाँ ऐसे ही होता है करवा चौथ खा खा के। और हाँ, थोड़ी सी चाय मैंने भी अपने, मेरे लिए भी चाय आई है थोड़ी सी, और मैंने भी मट्ठी खाई है। लेकिन वेलकम टू आकृति। तो आकृति दिखा दो अपनी मेहंदी कैसी लगी है। वाओ, आकृति की मेहंदी बहुत अच्छी लगी है। ओ आकृति ने, ओ माय गॉड, ये भी लिखी आपने उस दिन। वाओ यार, ऐसे दिखाओ हाथों में भी लगाई नहीं, पैरों में लगा दी मैंने। ओ दिखाओ पैरों की नेल पेंट दिखाओ। आपने सोचा होगा जंपसूट पहनूंगी इसके साथ, लेकिन वो नहीं है। हाँ, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। अनसीन मतलब बिना देखा वाला। तो गाइस बच्चे वगैरह बिल्कुल तैयार है और पूजा भी तैयार है, और आकृति ने अपनी वो जो ड्रेस आपको दिखानी थी ना वो भी पहन ली है। और मार्केट जाकर मैं फटाफट जो भी थोड़ा बहुत सामान रह गया था वो भी ले आया हूँ। अब मिलाते हैं आपको हमारे दोनों बच्चों और अपनी मैडम से, जो बिल्कुल रेडी है। पूजा बिल्कुल तैयार है मंदिर जाने के लिए, और एक बार देख लीजिए क्या झुमके पहने यार, दिखाना जरा झुमके दिखाओ। वाओ वाओ, बहुत सुंदर लग रहे हो। और मेहंदी कैसी चची है, मेहंदी आई मेकअप। गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। और मेहंदी मेहंदी भी लगा लो इस तरीके से, आइए हां बैक। और हमारी आकृति भी तैयार है, ये आकृति आई मेकअप दिखा दो। ओ वाओ, मेहंदी दिखाओ। तो गाइस हम निकल रहे फटाफट मंदिर। तो गाइस अभी हम आए हैं मंदिर। मंदिर में बहुत भीड़ है और सभी जने, जो कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ओ कैट, कैट,
मम्मा का है, मम्मा तेरे मम्मा को ढूंढ, मम्मा का है। आजा बहुत सुंदर लग रही हो, चलो बेटा आलो यार। तो गाइस करवा चौथ की जो पूजा होती है ऐसी होती है, सब महिलाएं ऐसे बैठ के करवा चौथ की पूजा करती हैं। इधर आ जाओ जी, बैठिए। अपने अपने हाथ पर चावल चीनी जो भी कुछ लाए हैं थाली के अंदर अपने हाथ में ले लो और गणेश भगवान से प्रार्थना कीजिए। हाथ जोड़िए और गणेश भगवान से प्रार्थना करिए कि हे गणेश भगवान, क्योंकि कहते हैं गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ माता चंद्रमा देवता मरणा करवड़ा सर्व सुहागण करवड़ा पाइया दे पैन वीरा चल चढ़े ते पानी पीना करते नाट रीना गोम चक्कड़ा फेरीना वाण पैर पावीना सुतड़ा जगा नारुसड़ा मनावीना लैवी रोटिए करवड़ा लै सर्व सुहागण करवड़ा पाइया दे पैन वीरा चल चढ़े ते पानी पीना करते नाटेरी ना गोम चरखड़ा फेरी ना वाण पैर पावी ना सुतड़ा जगावी ना रुसड़ा मनावी ना लैवी रोकड़िए करवड़ा लै सर्व सुहागण करवड़ा पाइया दी पैण वीरा चल चढ़े ते पानी पीवा करते नाटेरी ना कुम चरखड़ा फेरीना वाण पैर पावीना रुसड़ा बनावीना सुकड़ा जगावीना लै वीरो कुड़िए करवड़ा लै सर्व सुहागण करवड़ा चल चढ़े ते पानी पीवा करते जो मत्था टेको बेटा मम्मा के साथ जो मत्था टेको चले चलो जी। कि जिसने कथा सुन ली है वो प्रसाद ले आराम से अपने दीवे को ध्यान दे, कपड़ों को भी ध्यान दीजिए, अपनी चुन्नी का सामान का कपड़ों का ध्यान दीजिए। जो दीपक जलाएंगे धूप बत्ती है अपनी थाली में रखे, पीपल का दीपक रखे शिव जी के मंदिर धूप इधर बैठे तो चोट लग जाएगी, इधर साइड को जा, गाड़ियां निकल रही ना। चले हो गए। तो गाइस पूजा अभी भी मंदिर से आई है और आते ही लेट गई है क्योंकि थोड़ा सा उसको अब व्रत का एहसास होना शुरू हो गया है। आए है बहुत सुंदर लग रही हो यार। अच्छा तो बताओ क्या हो गया? कुछ नहीं, बस अब चांद निकल जाए तो मैं ये झोलू, मेरे को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ मैं वैसे रह लेती हूँ, लेकिन जब मुझे इस तरीके से रहना होता है ना, हाँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। साल के एक आधे दिन तो रह सकते हैं यार, हैवी हो जाता है, आदत नहीं है ना। हाँ आदत है, वही टी शर्ट पहनो पैजामा पहनो और लगे रहो बच्चों के साथ। हाँ यहाँ पे हो रही है इवनिंग आरती, तो इवनिंग आरती करते हैं सभी मिलके।
गाइस चंद्रमा आ गया है और मेरी तैयारी हो चुकी है, अब चलते हैं अपनी छत पे। तो गाइस चंद्रमा आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो चंद्रमा आ चुका है। ठीक है, हो गया। हाँ ठीक हो गया, चलो हो गया। हाँ जी, जैसे ज़्यादा काम करा ले रहा हूँ यार। हाँ ये तो मैंने पकड़ लेना था। लो थोड़ा सा मीठा खा लो, है ना। तो गाइज पूजा का बर्थ कंप्लीट हो गया। पूजा आज तबीयत ठीक लग रही, इतने खास तो नहीं परेशानी तो है यही। तो गाइज अभी हम मिलते हैं आपको सीधा डिनर पे। सो गाइज जैसा कि हमने आपको बताया था, दिन में हमने बनाया है शाही पनीर, तो बटर नान हमने ले लिए, अभी पैक करा के लेके आए हम बाहर से। वैष्णो ढाबा है, अच्छा ढाबा है, तभी लिया है। और बाहर खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे अपने घर में खाना, कंफर्ट जोन में रहकर खाना खाना अच्छा लगता है, ताकि मैं रिलैक्स होकर आराम से आल्टी पार्टी मार के, जैसे पैरों को मतलब मोड़ के बैठते हैं, उस तरीके से बैठ के खाना खाना पसंद करती हूँ। इसलिए मुझे घर में खाना पसंद है, इसलिए हम बाहर नहीं गए। तो गाइस ऐसा नहीं कि पूजा तैयार होकर सुंदर लगती है, आप देख लो नॉर्मल टी शर्ट में भी बहुत सुंदर लग रही है। तो यार मैं पूजा की सुंदरता का कायल हूँ यार। अगर मैं सच बताऊँ, अपने तरीके से मुझे लगता है कि मैं ज्यादा सस्ती सवरती हूँ ना, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हूँ। जब मैं नॉर्मल रहती हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, क्योंकि क्योंकि उस टाइम कंफर्टेबल होते हैं ना। हाँ, पहले तो ऐसे ड्रेस मारनी, ऐसे वो ये ऐसे करना पड़ता है। तो सब आ गए हैं अपने कंफर्ट जोन में, कंफर्ट जोन की तरह खाना खाने के लिए। और हाँ, कल हमने स्कूल जाना है, मतलब कल स्कूल कल जाने के तो गाइस सबसे पहले कर खाना, कहीं ठंडा ना हो जाए, जल्दी खाते तो चलो फटाफट कर लो डिनर, ठीक है। सो गाइस जैसे कि आपने देखा, हमने पूजा पाठ कर ली है, चंद्रमा आ चुके हैं और डिनर भी हो चुका है, डिनर बाहर से आया आपने देखा। तो अब हम करते हैं डिनर और आपको मिलते हैं।